हेलो गाइस, अगर आप एक न्यू ड्राइवर है तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। ये वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम जो सिखाने वाले हैं वो स्विफ्ट डिज़ायर कार में सिखाने वाले हैं। तो आज क्या सिखाने वाला है, देखिए क्लच और एक्सेलरेटर और ब्रेक, ये तीनों का कंट्रोल कैसे करना होता है और न्यू ड्राइवर क्या गलती करता है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे और उसको कैसे गलती को सुधारा जाए वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। है अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो गाड़ी अगर रुक गया तो आपको तुरंत उठाना भी तो पड़ेगा गाड़ी को, नहीं तो आप तो खड़े रह जाएंगे उस जगह, तो वो उठाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बार बार गाड़ी बंद होता है न्यू ड्राइवर से, तो वही आज प्रैक्टिस कराने वाले हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अब गाड़ी पहले से स्टार्ट है और पता भी नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है। चलिए अब एक नंबर लगाइए, एक नंबर लग गया है, अब उठाइए गाड़ी को। देखिए गाड़ी आस्ते आस्ते आगे बढ़ चुका है, फिर ब्रेक मारिए, ब्रेक हाँ, फिर उठाइए। चलिए उठाइए, फिर ब्रेक मारिए, ठीक है फिर उठाइए। चलिए स्पीड कीजिए, दो नंबर दीजिए। चलिए दो नंबर में गाड़ी का स्पीड जो है 20 से ऊपर होना चाहिए, तो अभी फिलहाल देख सकते हैं 10 में है, लेकिन इसको थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। तीन नंबर जो होता है 30 के ऊपर चला जाता है और चार नंबर 40 के ऊपर जब चला जाए तो चार नंबर लगाना चाहिए, और उससे ऊपर अगर 60-80 चलेगा तो वो पाँच नंबर में चलता है। नज़ारा है यहाँ का, क्या ही गजब का, और यहीं पर प्रैक्टिस हो रहा है गाड़ी का। तो प्रॉब्लम जो होता है ये स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसका। चलिए साइड दीजिए, गाड़ी आ रहा है, उधर नहीं उससे ही मुड़ना चाहिए, उधर कट रहा ज़्यादा। ये पेड़ के पास में रोकना है, ये सामने पेड़ छांव देख रहे हैं वहां पे रोकना है। रुकिए एक नंबर कीजिए, अब चलिए उठाइए गाड़ी, बस रुकिए, बैक गियर मारिए, सीट बेल्ट का आ रहा है, देखें गाड़ी बंद हो गया। थोड़ा सा अगर ऊंचा में रहा तो ढाल में, तो देखिए गाड़ी बंद हो गया। रुक जाओ बाइक आ रहा, रुक जाइए, हाँ चलिए फिर से, चलिए आस्ते आस्ते, ठीक है रुकिए, हाँ एक नंबर है, दो नंबर फुल क्लच, दो नंबर। चलिए स्पीड मेंटेन कीजिए, शीशा जो है वो आगे चला जाए उसके बाद फुल काट दो, कोई दिक्कत नहीं, काटो काटो काटो। चलो आपका न्यूट्रल हो गया गाड़ी, दो नंबर नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गया। तो बिगनिंग में यही सारा प्रॉब्लम आता है, तो स्टार्टिंग में आप ये कोशिश करें कि क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर ये तीनों का प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करें। और भीड़ भाड़ में जब जाइएगा तो आपको गाड़ी, देखिए स्पीड चलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आस्ते चलाना, और भीड़ भाड़ में रोक के फिर वापस उसको स्टार्ट करना, क्योंकि रोकने के बाद गाड़ी अगर वापस स्टार्ट करने में देखिए कितना समय लगता है। अब एक काम कीजिए, पूरा स्टॉप कीजिए और गाड़ी को, हाँ पूरा स्टॉप कीजिए, पूरा एक्सेलरेटर दे दिए, यही होता है ब्रेक के जगह में एक्सेलरेटर होता है। चलिए एक नंबर दीजिए, एक नंबर,
एक नंबर दीजिए, इधर काटिए पूरा, फुल काटिए, लेफ्ट की तरफ फुल काटिए। हाँ रोकिए, स्टार्ट सीधा करके रोकिए, सीधा करके आगे पीछे मतलब उठाना है गाड़ी, ज़्यादा कट जा रहा है, इधर काटिए काटिए। हाँ बस सीधा गाड़ी खड़ा करो। हाँ अब उठाओ आगे गाड़ी, चलो। हाँ रोको, चलो जल्दी उठाना है, उठाओ, स्पीड करो, ब्रेक मारो। तो चलिए आज यही प्रैक्टिस कराते हैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही रोड रास्ते में मतलब मेन रास्ते में निकले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।